Actress Tamanna Bhatia is the latest Bollywood celebrity to join Clean India campaign. The actress was caught in action in the Lokhandwala area of Mumbai, where she cleared off the garbage along with other people. Tamanna was happy to join the initiative and appealed everyone to not litter around and keep the places clean. स्वच्छ भारत ये आई थिंक हर इंसान जो इंडिया में रहता है आज वो ये चाहता है कि हमारा देश साफ हो और मैं यही एरिया में रहती हूँ मैं लोखंडवाला बैक रोड पर रहती हूँ और मुझे लगा कि मुझे अपना एरिया सबसे पहले अपना एरिया क्लियर करना चाहिए तो हम इस रोड के आखिरी एंड तक आए हैं जहाँ पर पता नहीं कितने सालों से कचरा जमा हुआ है इनफैक्ट शायद लोग जानते ही होंगे बट मैंग्रोव्स भी हैं एकदम बगल में और उसका कचरा इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि हम हाथ से उठा पाए क्योंकि वो प्लांट्स में अटका हुआ है सो बट मैं चाहती हूँ कि इस अटेम्प्ट के बाद वो किया जाए बिकॉज मैंग्रोव्स पोल्यूट हो रहा है एंड मैं मेरा जस्ट एक पहला कदम है कि मैं अपना खुद का बैक रोड साफ करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मेरे इस अटेम्प्ट में लोग और भी मेरी मदद करें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे जो करीबी दोस्त हैं मेरी फैमिली जो मुझे सपोर्ट करती है वो आए हैं यहाँ पर एंड पीपल कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ जैसे मेरी मैनेजर मेरी मेकअप आर्टिस्ट मेरा ट्रेनर ये सब आके मेरी मदद कर रहे हैं एंड मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम बाहर गाँव जाते हैं हम कभी भी वहाँ पर कचरा नहीं फेंकते बट जब हम अपनी खुद की कंट्री में आते हैं हम पता नहीं क्यों लिटर करते हैं अगर हम अपनी खुद की कंट्री को लिटर ना करें तो शायद हमें आज ऐसी सफाई करनी ना पड़े So only plea to everybody is please don't litter your own city. It's for your own city. And मैं आज बहुत खुश हूँ I think ये मेरा पहला ही time है जो मैंने इसको किया because इसको करने में वक्त लगने वाला है एक दिन का काम नहीं है शायद ज़्यादा दिन लग सकें महीने लग सकें but मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक दिन आए कि ये पूरा area और एक दिन पूरा भारत एकदम स्वच्छ हो Clean India campaign was started by Indian PM Narendra Modi on October 2. So far, celebrities like Salman Khan, Hrithik Roshan, Priyanka Chopra and cricketer Sachin Tendulkar have joined this unique initiative. IANS report.